शाहजहांपुर में 4 साल बाद शनिवार को सुबह 7 बजे पूर्वोत्तर रेलवे के शाहजहांपुर स्टेशन से पीलीभीत के यात्री ट्रेन रवाना हुई। पहली ट्रेन से यात्रा करने के लिए 86 यात्रियों ने टिकट लिया। इस दौरान यात्रियों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। वहीं ट्रेन में यात्रा करने वालों में खुशी का माहौल रहा। उनका कहना था कि शाहजहांपुर पीलीभीत रूट पर ट्रेनें चलने से लाखों लोगों को फायदा होगा। नियमित यात्री बिना रोडवेज और डग्गामार वाहनों में असुरक्षित यात्रा करने से बच सकेंगे। इलेक्ट्रिक लाइन होने के बाद शनिवार की सुबह को पहली सवारी गाड़ी पीलीभीत के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन 2 घंटे 35 मिनट में पीलीभीत पहुंच जाएगी। ट्रेन संचालन को लेकर यात्री में ही नहीं रेल कर्मियों में भी जबरदस्त उत्साह है। शाहजहांपुर स्टेशन अधीक्षक PS तोमर ने कहा कि ब्रॉडगेज के लिए शाहजहांपुर पीलीभीत रेल पथ पर 30 मई 2018 को रेल संचालन बंद किया गया था। अगस्त 2021 में विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया था। वहीं शनिवार 2 जुलाई 2022 से ट्रेन संचालन शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि कासगंज से शुक्रवार को ही 2 ट्रेनों के लिए बड़ा रैक पीलीभीत को मुहैया करा दिया गया, जहां से चेकिंग के बाद एक रैक को शाहजहांपुर भेज दिया गया था। शनिवार की सुबह 7 बजे शाहजहांपुर से सवारियां लेकर ट्रेन पीलीभीत के लिए रवाना हुई है। दिनों से जो है यहाँ की पब्लिक इसके लिए जो है इंतजार कर रही थी। आज बहुत दिनों बाद इन लोगों की ये एक समस्या का निदान हुआ और सुविधा शुरू हो गई है। शाहजहांपुर से पीलीभीत के लिए कितनी जोड़ी ट्रेनों को चलाया जा रहा है? अभी 2 जोड़ी ट्रेनों को चलाया जा रहा है। इस सब एक बड़ी चीज देखने को मिली है कि भारत सरकार ने तो उपहार दिया है, तोहफा दिया है, लेकिन रेलवे के जो अधिकारी हैं या फिर जो ट्रेन का जिस तरीके से वेलकम वगैरह होना चाहिए नहीं हुआ, बड़ी उदासीनता देखने को मिली है। ये NER की ट्रेन है, उनकी तरफ से शुरुआत हो रही है, उनकी गाड़ी उधर से आ रही है, अपना उधर से इसका जो है। क्या AC की सुविधा मिलेगी? AC की सुविधा भी आगे बात चल रही है, उसकी भी मिलेगी। बता दें कि साल 2018 में पूर्वोत्तर रेलवे के शाहजहांपुर से पीलीभीत स्टेशन के बीच आमान परिवर्तन का काम शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक इस रूट पर पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से यात्री ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद था। एकमात्र ट्रेन शाहजहांपुर से शक्तिनगर होते हुए टनकपुर के लिए उत्तरी रेलवे के स्टेशन से जाती और वापस आती थी, जिसका समय दोपहर में होने की वजह से नियमित यात्रियों को कोई फायदा नहीं था। उन्हें रोडवेज या फिर डग्गामार वाहनों से ही यात्रा करनी पड़ती थी। सभी को शाहजहांपुर से पीलीभीत के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की लाइन पर ट्रेन चलने का इंतजार था, जो कि शनिवार को खत्म हो गया। शाहजहांपुर स्टेशन से सुबह 7 बजे से पहली ट्रेन लोको पायलट अमीरी ठाकुर और सहायक मोहम्मद वसीम लेकर रवाना हुए। ट्रेन के गार्ड आशीष सक्सेना ने स्टेशन अधीक्षक PS तोमर ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशन से 4 साल बाद दोबारा ट्रेन चलने पर देखने वालों की भीड़ उमड़ी। पंजाब केसरी TV के लिए शाहजहांपुर से नंदलाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।